नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरन और लोनावला की ताजा तरीन खबरें। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि 15 दिन में एक बार पानी आता है। अभी तो पानी की समस्या बहुत बुरी है, पानी दूर से लाना पड़ता है, जाके हमारे को बहुत तकलीफ है। यहाँ पे देखो, अभी न्यूज के माध्यम से अगर ये बात पहुंचती है उन लोगों तक, पालिकेतील प्रभाग क्रमांक 3 क तळोजा पाचनंद परिसरात पाण्याची समस्या प्रचंड गंभीर बनली आहे। अगदी आठवडा आठवडा पाणी येत नसल्याने येथील नागरिक प्रचंड त्रस्त आहेत। तसेच या परिसरामध्ये अनेक सुविधांचा अभाव तर आहेच, पण साध्या गरजांचाही बोजवारा उडाला आहे। पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण, कित्येक महिने पडून राहिलेल्या कचऱ्यामुळे पसरलेले घाणीचे साम्राज्य, अशा अनेक भयंकर समस्या या परिसराला भेडसावत आहेत। महानगरपालिका अस्तित्वात येऊनही या परिसराकडे ढुंकूनही अधिकारी लक्ष देत नसून पाणी पुरवठा करणारे सिडको आस्थापन देखील लक्ष देत नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे। पाण्याच्या या भीषण समस्येबद्दल संपूर्ण विदारक चित्र मांडलं आहे येथील स्थानिक रहिवाशांनी। पाणी की समस्या तो काफी टाइम से हो रही थी, जब ये ग्राम पंचायत में भी था तब भी प्रॉब्लम थी, और उसके बाद अब जब महानगर पालिका में आए तो और ज्यादा वास्ट प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि 15 दिन में एक बार पानी आता है। मेरे घर में बहुत बड़ी टैंकी है, हमारा नल कनेक्शन भी यहीं का है, बट हमको पानी नहीं आता है। गिने चुने 2-3 घरों में पानी आता है, जिन लोगों का नल दूसरी जगह से जॉइंट है, बाकी हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है। नो, सिर्फ हमारा ये जो इतना छोटा सा मन्नान कॉलोनी है इसी में सिर्फ प्रॉब्लम है पानी की, बाकी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोगों का पापड़ी बाड़े का नल है, उनको कनेक्शन से आता है। गाँव के अंदर जो लोग रहते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसीलिए यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए किसी को कोई है ही नहीं प्रॉब्लम कि उनको पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ जो है गंदगी, अभी तो पानी की समस्या बहुत बुरी है, और पीछे और आगे सारी गंदगी है, कचरा कूड़ा ये नाला भरा हुआ है, मच्छर बच्चे बीमार होते हैं, और ये हालत है। आवाज़ क्या उठाएंगे, सब मिल के आवाज़ उठानी चाहिए, एक की कौन सुनता है। यहाँ पे पानी का काफ़ी टाइम से मसला चल रहा है, तो मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, तो मैंने कुछ लोगों से मैंने बात भी की, तो कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसा फेस कर रहे हैं ये लोग, लेकिन प्रॉपर पानी का मसला सॉल्व नहीं हो रहा है। पानी तो पानी है प्लस गंदगी है यहाँ पे, और बहुत सारी आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके की तकलीफ है। तो अभी जिस तरीके से काम होना चाहिए मुझे तो नहीं लग रहा वैसा कुछ काम हो रहा है। देखो, अभी न्यूज़ के माध्यम से अगर ये बात पहुँचती है उन लोगों तक जिनको ये काम करना चाहिए, जिस तरीके से काम करना चाहिए, तो आप लोग पहुँचाइए। तो देखिए, अभी इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये सबकी ज़रूरत की बात है, और ये बहुत ज़रूरत की बात है। पानी में स्वच्छ भारत अभियान करना है, लेकिन पानी नहीं है तो कैसा करेंगे? लेडीज़ क्या करेंगे? रोज़ शाम को औरतें बाहर घर से बाहर निकल के पानी भर रही है, और झगड़े होते हैं, लड़ाई हो रही है, गंदगी हो रही है। तो उसके लिए मैं जो जिम्मेदार है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ कुछ कीजिए इस चाल से। यहाँ पानी की समस्या बहुत है, यहाँ हफ्ते में 2 बार नल आता है, उसमें भी पानी मिलता भी है और नहीं भी मिलता है पीने को। पानी दूर से लाना पड़ता है, जाके हमारे को बहुत तकलीफ है। यहाँ पे कितने जने कितने बार सबको बोला है, जो यहाँ के ज़िम्मेदार है सरपंच, जो यहाँ के जो करने वाले हैं, तो वो कुछ करते नहीं, कुछ एक्शन लेते नहीं हैं। यहाँ बहुत तकलीफ है, पूरा गंदगी है, गटर भरेला है, पीछे कचरा है, और पूरा हर जगह गंदगी भरी हुई है, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये मोहल्ला सफ़ा हुए, पानी आए और सबको तकलीफ ना हो, और जल्द से जल्द हमारे यहाँ पानी आ जाए, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। हम इधर 2002 से इधर रह रहे हैं, इधर कोई भी हमारे को सहूलत नहीं है, बरसात में पूरा पानी सब चाली में भरता है, और हमको आज 15 दिन हो गया पानी नहीं। इधर हम लोग इधर उधर से पेड़ गाँव से इधर उधर से पानी लाते, और हमारे बारिश में पूरा घर में पानी भरता है, सब पूरे मोहल्ले में। ये देखो इसकी लाइन, देखो आप पूरी चौकोप है, ये समस्या है हमको। बाथरूम में पूरा पानी चौकोप होता है, पूरा बरसात में पूरा भरता है पानी पूरा।
पूरे मोहल्ले में पानी भरता है। या संडास की भी हमको सहूलत नहीं है, इधर पानी की भी सहूलत नहीं है। 20 दिन से हम लोग को पानी नहीं आता है और हमारे जवान बेटी लोग कैसे जाएंगे दूर पानी लाने, साफ जगह इधर उधर इधर इधर हम लोग घूमते पानी के लिए। फिर यावत स्थानिक नगर सेवक अजीज पटेल व पाणी पुरवठा विभागाचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर डी एम बोकाडे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की फेज 2 ला मेट्रोचे काम सुरू असून त्या ठिकाणी लिकेज झाल्यामुळे पाणी पुरवठा कमी करण्यात आला आहे। लिकेजचे हे काम गुरुवारपर्यंत पूर्ण होईल व शुक्रवारपासून नियमित पाणी पुरवठा होईल असं सांगण्यात आलं। एक जो सिटको आम्हाला पाणी पुरवठा करतो त्यात ती सिटकोचे कुठेतरी पाईपलाईन लिकेज झालेली आहे, मला असं वाटतं फेज 2 मेट्रोच्या ब्रिजच्या खाली तिथे लिकेज झालेली आहे आणि ते त्यांचं काम चालू आहे। ते अजूपर्यंत मला असं वाटतं 50% कटोटी चालू आहे, 50% कटोटी चालू आहे। ते आज तुम्ही बघा, आज खारघर असो, तलोजा असो, कुठेबी असो, तुम्ही कुठेबी जा, ते आज पाण्याची टंचाई आहे। आज सिटको आम्हाला जो पाणी पाहिजे, जसं आता आमच्या पनवेल महानगरपालिकेला 300 MLD गरज आहे, मग आज आम्हाला भेटतो 220, कुठं आय सी एम एल डी कम पडतो। हा आय सी एम एल डीमध्ये त्यात तलुजा बी येतो, खारघर बी येतो, म्हणजे पूर्ण येतो, त्यात पूर्ण पनवेल महानगरपालिकेमध्ये पाणी टंचाई आहे का। हां, तुम्ही मी तुम्हाला सांगतो का, तुम्ही 4 दिवसाच्या नंतर माझी बाईट घ्यायला याल तर तुम्हाला असं वाटेल का पाण्याची समस्या तकरीबन 90% ते मिटलेली असावी। आणि मी एकच बोलतो, सच्चाई की जीत होंगी, बुराई की हार होंगी। काय झालेलं आहे की त्यांची एक लाईन रेल्वेच्या खालून लीक झालेली आहे। हा, तर ती लाईन आता उद्या रेल्वे परमिशन दिलेली आहे, उद्या लिकेज काढण्याचं, ते लिकेजचं काम उद्या आमचं कम्प्लीट होईल आणि परवापासून जरा तिकडलं सुरळीत होईल। ते झालेलं आहे की लिकेज असल्यामुळे तिथे थोडंसं कंट्रोल करून ठेवलं आहे, कारण की ती लाईन फुटून जाईल एकदम। ते रेल्वे लाईनच्या ट्रॅकमध्ये की आमची जी लाईन जाते, रेल्वे दिवा पनवेल लाईन आहे तिथे, रेल्वे लाईन खालनं लाईन जाते, ती जाते तळोजाकडे आहे, तर ती लिकेज असल्यामुळे तिथे त्यांचे वॉल बंद करून ठेवलेले आहे, ते कमी करून ठेवलेलं आहे एकदम, की त्या गावाला होणारा पाणी पुरवठा कमी प्रमाण थोडंसं होतं, तर ते होईल सुरू आहे। पाणी पुरवठा होत नाही मधल्या तो लिकेज झाल्यामुळे आम्ही थोडंसं कंट्रोल करून ठेवलेलं आहे तिथे। आता उद्याचं लिकेजचं काम पूर्ण झालं की परवापासून त्यांना सुरू होईल। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अरबाज साठीचा श्वेता भोरांचा रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज।